दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई है और यहां स्पीच अहम जानकारी और अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी जिसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं पंचायत चुनाव किसान आंदोलन पर। इस दौरान चर्चा हो सकती है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे और हरियाणा कांग्रेस की यह बेहद खास बैठक, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी इसमें शामिल होंगे। वहीं पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का यह मंथन है क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा गया। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में पंचायत चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने उन चुनावों को लड़ा, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा, तो इस सब का कितना असर रहा है, क्या इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है, उनके कैंडिडेट्स को फायदा मिला है, ये सभी चीजों पर मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, विपक्षी खेमा लगातार हमलावर है, तो इन सभी चीजों को लेकर के इस दौरान चर्चा हो सकती है। और सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? अब से कुछ ही देर में यह बैठक होने जा रही है और संभावना ये कि इसमें पंचायत चुनावों का जो परिणाम रहा है उस पर, और साथ ही साथ इस वक्त जो एक बड़ा विषय देश भर के अंदर नजर आ रहा है, किसान आंदोलन, दोनों विषयों पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर में, हालांकि 3 बजे का समय निर्धारित किया गया था कांग्रेस की तरफ से मीटिंग को लेकर, पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम दिल्ली में खड़े हैं, थोड़ी दूरी पर ये देखिए कांग्रेसी मुख्यालय है यहाँ पर, जहां पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। कुमारी सैलजा प्रदेश प्रभारी और कुलदीप बिश्नो यहां पर पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ देर में पहुंचेंगे और उसके बाद ही तमाम जो बड़े नेता है कहीं ना कहीं वो यहां पर मंथन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की जिस तरीके से राजनीति हलचल, चाहे पार्षद के जिस तरीके से चुनाव हुए थे यहां पर, तमाम जो कांग्रेस के जो पार्षद जीत के पहुंचे हैं उनको लेकर यहां पर मंथन चलेगा। वहीं अब से कुछ दिनों बाद जब पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में होने वाला है उसको लेकर मंथन चलेगा। और सबसे बड़ा विषय सुमेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आई है, तमाम जो समर्थन कांग्रेस पार्टी ने दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर मंथन करेंगे। तो अब से कुछ देर में सुमेंद्र ये मीटिंग स्टार्ट होगी। सबसे बड़ी बात मैं सुमेंद्र आपको बता दूं कि जो पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में आने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा 2 दिन पहले कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ पर मीटिंग थी, मुख्यमंत्री तमाम संगठन के नेता वहां पर थे, उन्होंने मीटिंग ली और जिस तरीके से बीजेपी ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस आज उसी कड़ी में आज मंथन करने वाली की ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो पंचायत के चुनाव पूरे प्रदेश में होने वाले हैं क्या कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी या फिर कांग्रेस भी बिना सिंबल के कहीं ना कहीं तैयारी करके रण में उतरेगी। जी राजा, इस दौरान क्योंकि 3 निगमों के जब हाल ही में चुनाव हुए हैं तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बार एक्सपेरिमेंट किया गया, पार्टी सिंबल पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या इन सभी चीजों को दिखाया जाएगा इस जो बैठक के अंदर? इस पर भी चर्चा की जाएगी, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, देखिए सुभेंद्र, वाकई में जिस तरीके से कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है नगर निगम के चुनावों में, जिस तरीके से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जीत कर पहुंचे हैं, तो वाकई में उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मंथन चलेगा और प्रदेश की राजनीति हलचल। और मैं आपको बता दूं जब से किसान आंदोलन चला है तो विपक्ष की अहम भूमिका कांग्रेस कहीं ना कहीं निभा रही है, लगातार किसानों को लगातार समर्थन कांग्रेस दे रही है, चाहे नेशनल कांग्रेस की बात करें या फिर प्रदेश की कांग्रेस की बात करें, तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें या प्रभारी की बात करें, लगातार बयानबाजी आपने और हमने सुनी, लोगों ने भी सुनी, साफ तौर पर उसी को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से कल भी जो मीटिंग हुई थी बेनतीजा रही थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर रणनीति बनेगी कि आखिरकार और अहम भूमिका किस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस
कांग्रेस निभाने वाली है, उस पूरे रणनीति को लेकर आज यहाँ पर चर्चा होने वाली है। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जेजेपी के विधायक जिस तरीके बीच में नाराज नजर आए, निर्दलीय विधायक जिस तरीके से बीच में नाराज नजर आए, तो उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन की जाएगी। आखिरकार सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन जिस तरीके से सुमन आपको बता दूं ये चल रहा है, तो बहुत ही बड़ी बात है कि कांग्रेस यहाँ पर मीटिंग कर रही है। और ऐसे में इस आंदोलन को कहीं ना कहीं भुलाना नहीं चाहती कांग्रेस, विपक्ष की यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हुए, विपक्ष की कहीं ना जो नेता है वो अहम भूमिका निभाते हुए उसी कड़ी में आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि आखिरकार किसानों की और जो समस्या है जिस तरीके से एक बात इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पार्टी इसमें शरीक नहीं हो रही है, हालांकि खुद किसान संगठन के नेता अपने आप को नेताओं से राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखे हुए हैं। क्या आज की होने वाली इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति क्या बनाती है? जी बिल्कुल, देखिए सुभेंद्र, हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें या फिर किसान नेताओं की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर राजनीतिक दूरी बनाए हुए, पर कांग्रेस का शुरू से ही बाहर से समर्थन मिला है। चाहे बयानबाजी को आप देख लें, चाहे ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार को निशाना साधने की बात हो, तो लगातार कांग्रेस भी इस कानून को वापसी लेने की मांग करती रही है। तो उसी कड़ी में आज इस मीटिंग को अहम नजरिए से यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है। आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, लगातार कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद कानून वापस लेने की मांग करें, तो विपक्ष की भूमिका इसमें अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने देखा दो दिन ट्रैक्टर प्रदर्शन था, वहां पर भी कांग्रेस के बड़े नेता नजर आए थे सुबह, क्योंकि ट्रैक्टर टोली पर चाहे पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना की बात करें, कांग्रेस के बड़े दिग्गज कहीं ना कहीं किसानों के साथ नजर आए थे, तो साफ तौर पर उसको लेकर यहां पर भूमिका बनाई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से बाहर से किसानों को समर्थन किया जाए, प्रदेश सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए, वो पूरा मंथन आज यहां पर होने वाला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। तो अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अब हरियाणा कांग्रेस की बैठक होनी है, और हरियाणा कांग्रेस की इस अहम बैठक के दौरान, क्योंकि अभी तक जो पंचायत चुनाव हुए और तीन निगमों के चुनाव हुए, उसमें पार्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है उसके आधार पर आकलन किया जाएगा, और साथ ही साथ किसान आंदोलन जो कि इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, उसको लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी मंथन किया जा सकता है। तो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, और जिसको लेकर के जानकारी जो हमारे संवाददाता ने अभी तक पहुंचाई, उसमें अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है, जिसके अंदर तमाम हरियाणा प्रदेश के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे, और आगे आने वाले समय की रणनीतियों को लेकर के इस बैठक के दौरान चर्चा की जा सकती है।